देखिए इस वक्त बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां मधेपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी सहित उनके दो सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपराध की योजना बना रहे अपराधियों को मधेपुरा टाउन थाने की पुलिस और कमांडो टीम ने इसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। SP राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मधेपुरा पुलिस को एक बार फिर कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी सहित 3 अपराधकर्मियों को 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और 9 MM के 9 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह गिरफ्तारी मधेपुरा टाउन थाने की पुलिस और कमांडो टीम ने सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की किरायत में जिले के मठाही OP क्षेत्र से वार्ड नंबर 5 से की है। बताया जाता है कि पुलिस गिरफ्तार में आए सभी अपराधी किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन समय रहते ही मधेपुरा पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने फौरन इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए 3 अपराधकर्मियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया है। गिरफ्तार होने वाले अपराधकर्मियों में मठाही OP क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 निवासी कुख्यात और सजायाफ्ता अपराधी पुंजीत यादव उर्फ इंद्रजीत कुमार पिता स्वर्गीय उमेश यादव, दूसरा मठाही OP क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 निवासी सोनू कुमार पिता विष्णुदेव प्रसाद और तीसरा सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र के बड़ियाही बस्ती वार्ड नंबर 6 निवासी राकेश कुमार पिता दिनेश यादव का नाम शामिल है। इस बात की जानकारी मधेपुरा SP राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से दी है। क्या कुछ कर रहे हैं SP राजेश कुमार, जरा सुनिए। करने के केसेस में सजा याफ्ता भी हैं। वर्तमान में कुछ दिन पूर्व जेल से जमानत पर छूट करके आए थे। आने के पश्चात इनकी गतिविधि के संबंध में हम लोगों को जानकारी मिलनी शुरू हुई, तो हमारे द्वारा जिला में गठित कमांडो टीम और बजरा टीम, जिसका जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देशन में कार्य कर रहा है, और साथ में हमारे मधेपुरा थाना अध्यक्ष कल सारा दिन इसके गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए थे। अचानक रात में सूचना मिली कि अपने सहयोगियों के साथ में घर पे है। सूचना पर तुरंत दबिश दिया गया, छापामारी की गई, वहाँ से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और तलाशी के क्रम में इनके पास से 2 पिस्टल मैगजीन सहित और 9 MM का जिंदा गोली 9 राउंड और 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ है। किसी अपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए किसी प्लानिंग में ही थे, घटना करने का प्लानिंग ही चल रहा था। इसी के संबंध में हम लोगों की सूचना भी मिल रही थी, तभी हम लोग इन पे नज़र भी रखे हुए थे और कल जा करके आखिरकार हमें इनको गिरफ्तारी करने में हमारी टीम को सफलता मिली। जैसा कि आपने बताया कुख्यात अपराधी है, पहले किस मामले में? इनका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व से इनके विरुद्ध में 6 कांड दर्ज हैं और जैसा मैं बताया कि ये सजायाफ्ता भी हैं, कोर्ट में कई केसेस का ट्रायल भी चल रहा है। आर्म्स एक्ट के केस में इन्हें सजावार है।